हेलो एवरीवन, सो यार सी यू एटी के रियलिटी शो के अंदर एक बार आपका फिर से स्वागत है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी 2020 के अंदर जितने भी प्राइवेट, गवर्नमेंट, डीम्ड यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उन सब के क्वालिटी रिव्यूज आपको मिल रहे होंगे बिना किसी पेड प्रमोशन के, बिना किसी की सिफारिश के, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। जो भी जनरल क्वारी है, जो भी रियलिटी है कॉलेजों की, चाहे वो अगर गलत है देन गलत, देन अगर सही है देन वो सही, एकदम एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन आपको मिल रही होगी। दिस इज कॉल्ड द सीयूईटी रियलिटी शो। तो चलिए देख लेते हैं। सो टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट NIIT यूनिवर्सिटी एंड IIT यूनिवर्सिटी। दिस इज एस्टेब्लिश्ड एंड स्पॉन्सर्ड बाय NIIT टेक्नोलॉजीज। ओके, सो आज अपन इसके बारे में कंप्लीट में डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो में एंड तक जरूर देखिएगा। एंड बहुत सारे स्टूडेंट का पहला क्वेश्चन यही है कि व्हाई, हाउ 100% प्लेसमेंट, बिकॉज 100% प्लेसमेंट आज तक IIT बॉम्बे का नहीं किया। IIT बॉम्बे का प्लेसमेंट जो है 92% 91% प्लेसमेंट रह रहा है। तो भैया क्या जो है IIT वाले बच्चों को NIIT यूनिवर्सिटी में डाल दें क्या, जो 100% प्लेसमेंट हो जाएगा? बेचारे जो IIT में पढ़ रहे हैं उनका 92 ही हो रहा है, ये लोग 100% दे रहे हैं, ये प्राइवेट कॉलेजेज वाले IIT से भी ऊपर चले गए कैसे? क्या ये रियल है, क्या ये फेक है, क्या सारा सीन है? तो आज इसके बारे में हम कंप्लीट के अंदर डिस्कस कर ले रहे हैं, तो चलिए देख लेते हैं गाइस। ओके सर, NIIT यूनिवर्सिटी एंड दिस इज सिचुएटेड इन निमराणा। निमराणा कहाँ पे? निमराणा इन अलवर, राजस्थान, धोरा वाली धरती, राइट। एंड सो इसके बारे में आज अपन कुछ स्पेशल डिस्कस करेंगे और खूब मजा आने वाला है। ओके, सो दिस कॉलेज इज प्रोवाइडिंग मेनी कोर्सेज जस्ट लाइक BA, BTEC एंड इंटीग्रेटेड MBA एंड मेनी कोर्सेज आर प्रोवाइडिंग, जो कि आप कॉलेज की वेबसाइट पर चेक कर सकते हो, ठीक है। अपन इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है इसका स्टडी, देन इसका कैंपस का लाइफ कैसा है, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, स्टूडेंट पढ़ने के बाद फील कैसा करता है, क्या यहाँ पे इंटर्नशिप होती है, क्या यहाँ पे हरियाली होती है, क्या यहाँ पे प्लेसमेंट होता है, कितना प्लेसमेंट होता है, 100% कैसे प्लेसमेंट होता है, कैसे यहाँ की फैकल्टी है, कैसा यहाँ का इन्वायरमेंट है, क्या इसकी फीस बहुत ज़्यादा हाई है, तो आज इसके बारे में हम फुल्ली डिस्कस करने वाले हैं। तो आज अपन बात करते हैं यार इसके, जस्ट जो भी इसका कैंपस है, इसका इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है। तो यार इंफ्रास्ट्रक्चर इज ऑलमोस्ट टिक टाक है। 2009 से अगर अपन बात करें 2022 तक, तो दिस इज़ नॉट एन एक्सीलेंट, दिस इज़ नॉट बेड, दिस इज़ नॉर्मल, ठीक है। इन सारी चीज़ों पर वैसे हम बहुत कम फोकस करते हैं कि भैया यहाँ पे रूम कैसा है, बेड कैसा है। एयर कंडीशनर नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल हॉस्टल की बात कर लेते हैं, हॉस्टल्स यहाँ पे अवेलेबल है फॉर बोथ गर्ल्स एंड बॉयज। सिक्योरिटी इज ऑलमोस्ट ठीक ठाक, ठीक है। स्टूडेंट्स की सिक्योरिटी वगैरह पे ऐसा कुछ मेरे को नहीं देखने को मिला। एंड यार फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे से पूछते हैं, क्वेश्चन करते हैं कि भैया जो है ये रिव्यूज़ कैसे लेते हो आप लोग, किस बेसिस पे जो है आपके पास ये इन्फॉर्मेशन आती है। तो यार फर्स्ट ऑफ ऑल जो है हम जो भी यूनिवर्सिटी के सारी टीम से डिस्कस कर लेते हैं, देन जो वहाँ पे स्टूडेंट पढ़ रहे हैं उनसे डिस्कस करते हैं, एंड देन प्लेसमेंट एंड अदर जो भी स्टूडेंट्स रिव्यूज़ डालते हैं, एंड हम फॉर्म भी डालते हैं स्टूडेंट्स के पास, एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स हमें फीडबैक देते हैं कि हम यहाँ पे पढ़े हैं, इतना ऐसा चल रहा है, ये टीचर है, इतने टीचर है, ये सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं या नहीं पढ़ा रहे। बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये भी कहना है कि हमारे जो एक टीचर है वो तीन तीन सब्जेक्ट पढ़ा रहा है। बेसिकली ये प्रॉब्लम ऑल ओवर द इंडिया बहुत सारे कॉलेजों में मेरे को देखने को मिल रही है। सो आई थिंक इसका जो जल्द से जल्द सॉल्यूशन करना चाहिए, क्योंकि कॉलेज वाले क्या चाहते हैं कि भैया हम जो एक ही टीचर हायर करके उसे बहुत सारों का काम करा लें, राइट। सो दिस इज़ वेरी बैड। एक सब्जेक्ट ही पढ़ाना चाहिए एक टीचर, यानी कि सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट को ही रखना चाहिए। अपन इनके बात करें अगर फैकल्टी की, तो फैकल्टीज आर नॉलेजेबल एंड दिस कोर्स के लिए करिकुलम इज रिलेवेंट एंड दस लाइक सेमेस्टर एग्जाम इज वेरी डिफिकल्ट, राइट। होता है क्या ये? ओ यार ये सभी के लिए होता है, ठीक है। एंड द टीचर्स और कॉलेज इज हेल्पफुल क्वालिफाइड, या टीचर का काम ही वही होता है, टीचर का हम बहुत सम्मान करते हैं, ठीक है। ओके, एंड द क्वालिटी ऑफ टीचिंग इज गुड बट विदाउट एनी ओन लर्निंग स्किल्स और दो डोंट मैटर मच, ठीक है। सेल्फ स्टडी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट हेयर। द कोर्स करिकुलम इज वेरी रिलेवेंट एंड इट डज मेक ए स्टूडेंट इन इंडस्ट्री एक्सपर्ट। लेब का थोड़ा सा इश्यू है, बहुत सारे स्टूडेंट्स हमको बोलते हैं कि भैया जो है लेब के अंदर बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम आती है हमको। अब अपन बात करते हैं 100% प्लेसमेंट क्या सच में होता है, तो दिस इज फॉर ओनली एंड ओनली फॉर जो भी स्टूडेंट्स क्रीम स्टूडेंट हैं एंड
स्पेशलिस्ट इन कोडिंग एक्सपर्ट एंड कंप्यूटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर आप अगर एकदम कीड़े हो देन आपका 100% प्लेसमेंट हो जाएगा, कहीं भी हो जाएगा। लेकिन एक बात मैं आपको दिल से बता दूं, दिस इज नॉट फॉर एनी मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड अदर फलाना इंजीनियरिंग, दिस इज ऑनली एंड ओनली फॉर कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग। मेरे को बहुत सारे स्टूडेंट्स ने यही बोला है कि भैया जो भी है जो प्लेसमेंट है वो सारा का सारा किन के लिए है, जो 100% ये लोग प्लेसमेंट बोल रहे हैं जिन बच्चों को कोडिंग आती है, ठीक है, दिस इज वेरी एक्सपर्ट इन कंप्यूटर साइंस एंड अदर टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट, उनके लिए जो है ये 100% वाला पॉसिबल है। लेकिन जो नॉर्मल स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये थोड़ा सा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। एवरेज हाईएस्ट प्लेसमेंट तो आपने देखा ही होगा, ठीक है, एवरेज प्लेसमेंट की अगर अपन बात करें तो यहाँ से जो है 3 से 4 लाख रुपये का आप मान सकते हो, एवरेज प्लेसमेंट 3 से 4 लाख का नहीं जाता, ठीक है, हाँ 3 से 3.5 लाख आप मान सकते हो एवरेज प्लेसमेंट यहाँ से जा रहा है। अगर अपन यहाँ के लोकेशन की बात करें तो दिस इज वेरी बेड, अलवर राजस्थान के अंदर है एंड दिस इज जो है जयपुर से थोड़ा आपको दूर पड़ेगा, ज़्यादा दूर नहीं है एंड लोकेशन इज नॉट गुड आई थिंक। एंड जस्ट हॉस्टल की अगर खाने की बात करें तो दिस इज वेरी बेड कंडीशन, राइट। एंड स्टूडेंट्स को क्या वाईफाई मिलता है क्या, तो वाईफाई ठीक ठाक मिल जाता है, ठीक है। एंड द फाउंडर ऑफ दिस कॉलेज इज मिस्टर राजेंद्र पवार, पोस्ट ग्रेजुएट फ्रॉम IIT दिल्ली, नाइस, एंड ही इज ऑल्सो द फाउंडेड ऑफ NIIT टेक्नोलॉजीज NIIT लिमिटेड, आई वेरी रियली रेस्पेक्ट। एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स जस्ट लाइक द कोर्स करिकुलम इज एक्सीलेंट एंड इट्स वेरी मच सिमिलर टू बिट्स पिलानी, नाइस, ठीक है। एंड द ऑल द स्टूडेंट्स सब्जेक्ट्स आर यूजफुल इन फ्यूचर एंड फैकल्टी मेम्बर्स आल्सो वेरी गुड एंड मैथमेटिक्स एंड प्रोग्रामिंग टीचर्स आर आल्सो वेरी हेल्पफुल एंड दे आर ऑलवेज देयर क्लियर आउट डाउट्स कभी कभी, ठीक है, वो भी करीम स्टूडेंट्स के। सबसे बड़ा प्रॉब्लम कहाँ पे आ रहा है, सबसे बड़ा स्टूडेंट्स को मेरा ये कंसर्न है कि जो बच्चे एवरेज स्टूडेंट है या फिर बैक बेंचर है मिडिल बेंचर है, टीचर उन पे थोड़ा कम फोकस करते हैं और टीचर को उससे कोई लेना देना नहीं होता कि कितना पढ़ रहा है कितना ही पढ़ा रहा, लेक्चर देखिए आउट, ठीक है। एंड ये भी एक कंसर्न है बड़ा, ठीक है। कुछ अच्छी अच्छी कंपनीज भी विजिट करती है यहाँ पे, जैसे NIIT टेक्नोलॉजीज भी यहाँ से उठा लेती है, अमेजोन है, जस्ट लाइक बायजू द लर्निंग ऐप है, बिग बॉस्केट है एंड कॉन्जिगेंट है एंड अदर अदर छोटी छोटी इंडस्ट्रियल जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है वो भी बच्चों को रिक्रूट कर लेती है। तो इस प्रकार से जो है सारा का सारा सीन चलता है। और अगर अपन इनके जस्ट जो है CSE एंड ECE हैज गुड इंफ्रास्ट्रक्चर, ये भी है यहाँ का एंड प्लेसमेंट इज ऑलमोस्ट, ये लोग तो बोलते हैं कि भैया जो है 100% प्लेसमेंट जाता है, लेकिन ये सारे सब्जेक्ट का नहीं बोलते हैं कि भैया हमारे मैकेनिकल का भी 100% जाता है, फिर तुम IIT बॉम्बे वालों का तुम्हारे यहीं पे लाके छोड़ देंगे, तुम उनका भी करा दियो फिर, राइट। NIIT वालों को भी यहाँ पे लाके छोड़ दो, NIIT टेक्नोलॉजीज NIIT यूनिवर्सिटी के अंदर की, ये हमारे जो मैकेनिकल के हैं ये प्रोडक्शन के हैं ये इलेक्ट्रिकल के हैं, ठीक है, NIIT में डाल दो NIIT के बच्चों को कि इनका भी 100% प्लेसमेंट करा दो आप, जो भी आप LPA दिखा रहे हो 40 LPA 50 LPA 30 LPA 10 LPA। तो यार दिस इज वेरी बैड एंड ये सिर्फ एक एडवर्टाइजमेंट पर्पज होता है कि हमारे यहाँ पे 100% प्लेसमेंट होता है, ऐसा कुछ नहीं होता, 100% प्लेसमेंट इज नॉट पॉसिबल इन द इंडिया, तो पॉसिबल आई थिंक नहीं हो पाएगा कभी, IIT बॉम्बे से भी नहीं हो पाता है, ठीक है। एंड इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या क्या आपको मिलता है, जस्ट लाइक वाईफाई मिलता है, इसकी सबसे ज़्यादा डिमांड है, स्टूडेंट्स की सबसे ज़्यादा डिमांड होती है वो है वाईफाई, क्योंकि जस्ट तुम्हारा जितना प्लेसमेंट नहीं होता ना जनाब उससे ज़्यादा तो बच्चे रील्स बना बना के कमा लेते हैं पैसे, ओके। सो वाईफाई की नीड है, राइट, और वाईफाई भी अवेलेबल है। केमिस्ट्री बायोलॉजी फिजिक्स लैब्स एंड वी हैव द नीट एंड क्लीन क्लासरूम, वी हैव हॉस्पिटल फैसिलिटी अवेलेबल फॉर द स्टूडेंट्स एंड फूड इज नॉर्मल, हॉस्टल फूड इज वेरी बैड एंड वी गेट ए जस्ट लाइक कूल एयर एंड वी डिडंट फेस एनी प्रॉब्लम एंड दिस कॉलेज एंड दिस इज स्टूडेंट का फीडबैक आई थिंक अच्छा रहा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा एक्सीलेंट नहीं रहा लेकिन दिस इज एन नॉर्मल फीडबैक रहा है, ठीक है। यानी कि मेरे को बहुत ज़्यादा ऐसी कोई फेसिंग प्रॉब्लम नहीं करनी पड़ी कि भैया यहाँ पे कोई बहुत ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम्स हो, ऐसा कुछ नहीं देखने को मिला। फैकल्टी जोशम, ठीक है, एंड इंफ्रास्ट्रक्चर ही जोशम, स्टडीज का तो नॉर्मल, ठीक है, नॉट ऑसम। एंड द फैकल्टी ऑफ CSE डिपार्टमेंट इज वेरी गुड एंड ECE बायोटेक इज नॉर्मल, ठीक है, एंड टीचिंग जस्ट लाइक प्रोजेक्टर वगैरह से पढ़ाते हैं ये लोग एंड नोट्स विल बी अपलोडेड इन जस्ट लाइक स्टूडेंट मॉडल, तो आप समझ सकते हो, ठीक है। एंड
ठीक है, नॉर्मल है, ठीक है, उतना ज़्यादा बहुत ज़्यादा अच्छा भी नहीं है, बुरा भी नहीं है, ठीक ठाक कंडीशन पे चल रहा है अभी। एंड इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर अपन बात करें तो जस्ट लाइक यार कैंपस तो बड़ा ही अच्छा है वैसे, ठीक है, उतना ज़्यादा भी अच्छा नहीं है लेकिन अच्छा है, ठीक है, आप उसको ऐसे समझ सकते हो, राइट। और जस्ट आपका इसके रिगार्डिंग कोई और भी क्वेश्चन हो देन जो है आप मुझको पूछ सकते हो। अगर हम इसको जो मार्क्स दें तो 10 आउट ऑफ हम इसको जो है 7 मार्क्स देंगे, ठीक है। 7 मार्क्स हम बहुत कम कॉलेजों के देते हैं लेकिन आई थिंक दिल से बता दूँ अच्छा लगा मेरे को भी, ठीक है। एंड जस्ट आप जो है विजिट कर सकते हो यूनिवर्सिटी के अंदर एंड जस्ट चेक कर लो कि यार कैसी अच्छी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है कि नहीं करवाई करता। मैं इसका बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता कि ये जिसने जो लिख रखा है 100% प्लेसमेंट, दिस इज नॉट रियल, ठीक है। आप इस पर बिल्कुल ध्यान ना दें कि भैया 100% प्लेसमेंट दे रहा है, भैया ने कहा है तो चले जाते हैं एडमिशन ले लेते हैं, दिस इज नॉट रियल। आपने मैकेनिकल में ले लिया, सिविल में ले लिया, फिर अब वहाँ पर प्लेसमेंट 100% क्या 1% भी नहीं हुआ, फिर क्या होगा। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग के लिए है ये, ठीक है, सभी के लिए नहीं है। हाँ, कोर्सेज में सभी में होता है, ओपनली फॉर ऑल प्लेसमेंट जस्ट लाइक अमेजोन सभी के लिए आता है, जिसको कुछ आता है आ जाओ बैठ जाओ अमेजोन में ले लो प्लेसमेंट, राइट। लेकिन दिस इज़ नॉट ओपन फॉर ऑल कि जस्ट लियर जो CSE वाला लगा देते हैं, लोएस्ट लगा देते हैं CSE का, ये इलेक्ट्रिकल का सिविल का नहीं लगाते कभी, ये हाइएस्ट प्लेसमेंट लगाते हैं कि कॉलेज में इतना गया, राइट। सो आप इसके बिल्कुल ध्यान रखें। एंड 10 आउट ऑफ 7 मार्क्स दिए हैं, जस्ट आप देख सकते हो, अगर आपको अच्छा लगे देन आप एडमिशन ले सकते हैं, आपको अच्छा ना लगे देन आप एडमिशन ना ले। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हमारा मिशन CSE एंड अदर डिजायर ब्रांच गवर्नमेंट कॉलेज टॉप गवर्नमेंट कॉलेज प्रोग्राम इज रनिंग एंड लिंक इन डिस्क्रिप्शन, कॉन्टैक्ट नंबर, टीम कॉन्टैक्ट नंबर, काउंसलिंग हेल्पलाइन नंबर इज अवेलेबल एट द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, यू कैन कॉल नाउ एंड टेक योर प्लान एंड गेट द एडमिशन इन योर टॉप डिजायर गवर्नमेंट कॉलेज विद लोएस्ट फीस एंड वेरी गुड प्लेसमेंट। थैंक यू सो मच गाइज, खूब पढ़ते रहिए, छोटों से प्यार करिए, बड़ों का सम्मान कीजिए, धन्यवाद।